हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों ने मुझे पूछा कि दुबई में हमें जी चाइनीज़ का काम आता है जी, जो दुबई में हमें जॉब मिल जाएगी, तो उसी के रिकॉर्डिंग मैंने ये अपना वीडियो बनाया है। तो जिन लोगों को चाइनीज़ का काम आता है गाइस, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है दुबई में। अगर आपको चाइनीज़ का काम आता है, चाइनीज आपको अच्छे से आता है, चाइनीज़ में आपका सेट है, अगर आप दुबई आना चाहते हो तो आपको इजीली यहाँ पर जॉब मिल जाती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह, बार वगैरह, क्लब वगैरह, कैफ़े वगैरह होते हैं, तो आपको आराम से यहाँ पर जॉब मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, ब्रांड के हिसाब से सैलरी रहती है, जैसे ब्रांड है उसी हिसाब से यहाँ पर सैलरी रहती है गाइस। अगर आपको अच्छा आपका चाइनीज में हाथ सेट है, अगर आपको अच्छे से चाइनीज का काम आता है, तो गाइस इसमें आपको क्या है 1600 से 1800 के बीच में सैलरी मिल जाती है। अगर आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत चाइनीज का काम आता है तो इसमें गाइस फिर आपकी थोड़ी सैलरी कम होती है, 1400 1200 1400 के बीच में रहती है। अगर आपको प्रॉपरली चाइनीज का काम आता है, चाइनीज आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको इसमें आराम से 2000 तक मिल जाती है, 2000 तक सैलरी आपको आराम से मिल जाएगी। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें आपको कंपनी, अगर आप कोई रेस्टोरेंट पकड़ते हैं, अच्छा रेस्टोरेंट लेते हैं, या फिर आप कोई अच्छा होटल लेते हैं, अच्छी जगह आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो गाइस इसमें आपका क्या होता है, वीज़ा कंपनी प्रोवाइड करवाती है आपको, रहना आपका कंपनी का ही होता है, फूड आपका कंपनी का है, तो मेडिकल आपका कंपनी का होता है, और बाकी जो आपको ड्यूटी का जो रहता है गाइस, इसमें कंपनियों के हिसाब से है। बहुत सारी कंपनियां जो है इंटरनेशनल लेवल की हैं, अच्छे ब्रांड हैं, तो उनमें ड्यूटी का टाइम होता है 10 घंटे का 9 घंटे का, और 1 घंटे का इसमें खाने का, और बाकी आपका खाने और टी टाइम का भी निकलता है। और पूछूं मैं क्या होता है गाइस, जो जैसे कोई नॉर्मल ब्रांड है वैसे, तो उनमें 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, और 1 घंटे का आपका चाय का, टी का, ये सारा टाइम निकलता है, तो आपको वही 11 घंटे की ड्यूटी लगती है। ठीक है गाइस, अच्छी अपॉर्चुनिटी है दुबई में, आप आ सकते हैं, आराम से जॉब कर सकते हैं। अगर आपको चाइनीज का काम आता है, चाइनीज के सेफ हैं, इंडिया में आपने काम करा हुआ है, इसमें 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप आराम से दुबई आ सकते हैं। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है, अगर आप नॉर्मली रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं तो आपको सैलरी 1600 से 1800 के बीच में मिलती है गाइस। रहना खाना कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, वीज़ा वगैरह, मेडिकल वगैरह, जो भी आपका खर्चा आएगा वो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो गाइस इसमें क्या होता है, आप अगर 2 साल यहाँ कर लेते हैं काम, 2 साल का वीज़ा लगता है ऑलमोस्ट दुबई में, अगर आप 2 साल काम कर लेते हैं गाइस, तो आपको क्या होता है, आप फिर 2 साल बाद इंडिया जाते हैं, तो इसमें आपको क्या होता है गाइस, आपको कंपनी दोनों साइड का टिकट देती है, आने और जाने का टिकट आपको कंपनी का ही होता है, तो आपको दो महीने की छुट्टी और आपको मिल जाती है, और आप 2 महीने की छुट्टी और दोनों साइड का आपको टिकट मिल जाता है, आने जाने का दोनों साइड का आपको टिकट मिलता है, तो आप आ सकते हैं दुबई, आराम से जॉब कर सकते हैं दुबई में, ऐसा कुछ नहीं है, आप आ सकते हैं दुबई। चाइनीज डिपार्टमेंट का आपको काम आता है, तो आप आ सकते हैं इजीली, यहाँ जॉब कर सकते हैं गाइस। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए गाइस, तो जो कि मैं आपको आगे भी ऐसी जानकारी देता रहूँ, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक करिए। बाय।